मैं पवन सर, उत्कर्मित उच्च विद्यालय केतरिया पथलगड्ढा चंद्रा का गणित और विज्ञान का शिक्षक। बच्चे लोग सब तो जान रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण अभी पूरा देश लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ डेली विज्ञान और गणित का कोई ना कोई टॉपिक हम लोग पढ़े। आज हम लोग फिर से क्लास 10 का अध्याय नंबर 8 के बारे में पढ़ेंगे, जिस अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इसके बारे में बच्चों लोग आज हम लोग जानेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, समझने की कोशिश करना, जो भी बात समझ में नहीं आएगा तुरंत कॉल करना, व्हाट्सएप करना और समझने का कोशिश करना। बाबू त्रिकोणमिति जो चैप्टर अध्याय है, ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है गणित। ये आपको हायर क्लास में भी पढ़ना है, 11 में भी, 12th में, इतना महत्वपूर्ण अध्याय। और आप आज वही अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, तो बाबू हम लोग कोशिश करेंगे कि बेसिक से पढ़े, शुरू से पढ़े और समझने का कोशिश करें। हर बिंदु को हम लोग समझेंगे ताकि कहीं भी किसी तरह का कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। अगर आपको कोई पूछे, कभी भी कोई क्वेश्चन इससे करे, तो आप बेझिझक आंसर दे सकते। हम लोग उस तरह से पढ़े। बच्चों को सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का परिभाषा समझते हैं कि त्रिकोणमिति होता है, किसे कहते हैं, आखिर त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति आप यहां देख रहे होंगे या हम लोग सुने हैं, पढ़े हैं, किताब में भी पढ़े हैं कि त्रिकोणमिति जो होता है सिर्फ 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति बच्चों लोग कितना शब्द से मिलकर बना हुआ है? 3 शब्द से। कौन कौन? पहला शब्द है बाबू त्रि, दूसरा शब्द कोण और तीसरा शब्द क्या है? नीति। त्रि का मतलब होता है बाबू 3, कोण का मतलब कोण और नीति का मतलब माप। हम लोग कोण के बारे में पीछे अध्याय में पढ़े हैं कि कोण क्या होता है बाबू। कोण जब दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वहीं पर क्या बनता है बच्चे लोग? कोण बनता है। वहीं पर क्या बनता है? कोण बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है। तो त्रिकोणमिति कितना शब्द से मिलकर बना हुआ? त्रि, कोण, मिति, अर्थात 3 शब्द से। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण, समझ गए हो कोण क्या होता है। मिति का मतलब माप। तो हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में या समझ गए या हम लोग को कुछ याद अपना थोड़ा कुछ समझ में आने लगा कि त्रिकोणमिति आखिर क्या होगा, इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग इस 3 शब्द से ये थोड़ा बहुत समझ गए कि त्रिकोणमिति में हम लोग 3 कोण को मापने के बारे में अध्ययन करेंगे। 3 कोण को कैसे मापना है, 3 कोण के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। 3 कोण से जो जो आएगा आपके पास, फॉर्मूला बोल सकते हो, सूत्र जो जो आएगा उसके बारे में, उसको मापना, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सा अध्याय में? अब बच्चे लोग अगर इसको विस्तार से हमको बोलना और आप चाहते हैं तो और अच्छा से हम बोले, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? त्रिकोणमिति के बारे में अगर आप चाह रहे हो कि और अच्छा से बोले, अब लोग को और अच्छा से हम समझाना चाह रहे तो कैसे समझाए, तो हम लोग बोलेंगे बाबू त्रिकोणमिति जो है गणित का एक ऐसा अध्याय है या एक ऐसा शाखा है। त्रिकोणमिति गणित का एक ऐसा अध्याय है या एक ऐसा शाखा है जिसमें हम लोग एक समकोण की रोज, समकोण त्रिभुज मतलब बाबू
वाई सब त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में तो बाबू फिर से एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए बाबू 90 डिग्री। तो हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं बाबू, त्रिकोणमिति गणित का एक ऐसा अध्याय है या एक ऐसा शाखा है जिसमें हम लोग एक समकोण त्रिभुज के कोणों, समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं, समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंधों का क्या करेंगे बाबू, अध्ययन करेंगे। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्या करेंगे उसमें बाबू, उस त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच क्या संबंध है, कोण और भुजा में क्या क्या संबंध आएगा, क्या सूत्र बनेगा, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। कौन सा अध्ययन होगा वो? त्रिकोणमिति। ये था त्रिकोणमिति का परिभाषा। फिर से अगर त्रिकोणमिति के बारे में आपको 2 मिनट बोलने का मौका मिला तो आप कैसे बोलोगे? बोलोगे त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब 3, कोण का मतलब कोण। जब दो रेखा एक दूसरे को कोई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वहां कोण बनता है और मिति का मतलब माप। इसका मतलब त्रिकोणमिति में हम लोग 3 कोण को मापने के बारे में पढ़ेंगे और इसको अर्थात और इसको आगे बोलना है तो हम लोग बोलेंगे अर्थात त्रिकोणमिति गणित का एक ऐसा अध्याय है, एक ऐसा शाखा है जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंधों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये हुआ त्रिकोणमिति का परिभाषा। बाकी लोग त्रिकोणमिति को खोज करना कौन से वैज्ञानिक थे, वो वैज्ञानिक का नाम क्या था जो त्रिकोणमिति का खोज किए थे? उस वैज्ञानिक का नाम क्या बाबू? हिपाकस। उस वैज्ञानिक का नाम क्या बाबू? हिपाकस। अब हम लोग और कुछ जानेंगे और कुछ समझेंगे। अब हम लोग ये जानेंगे कि कुल त्रिकोणमिति कितना होता है बाबू, कुल त्रिकोणमिति कितना होता है बाबू, कुल त्रिकोणमिति कितना होता है बाबू? 6। कौन कौन बाबू? पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा। यही 6 को हम लोग क्या बोलते हैं वो त्रिकोणमिति। यही 6 को हम लोग क्या बोलते हैं वो त्रिकोणमिति। अब हम लोग को इसी के बारे में अध्ययन करना है, ये 6 के बारे में अध्ययन करना है बाबू। कौन सा अध्याय है? त्रिकोणमिति का अध्याय। अब हम लोग इसके बारे में सीखेंगे, एक और चीज जानेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी समझ में आएगा, आप लोग भी समझने का कोशिश करोगे और जहां कहीं किन्हीं को दिक्कत होगा जरूर आप व्हाट्सएप कीजिएगा या कॉल करके पूछिए। चलिए तो ये 6 आपका किसका उदाहरण हो गया? त्रिकोणमिति का। पहला क्या है? साइन थीटा। दूसरा क्या है? कोस थीटा। तीसरा क्या है? टेन थीटा। चौथा क्या है? कोण थीटा। पांचवा क्या है? सेक थीटा। छठा क्या है? कोस थीटा। अब आगे और जानते हैं, कुछ और हम लोग सीखेंगे। तो कुल त्रिकोणमिति कितना हो गया? 6। कौन कौन? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोण थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। बाबू ये सब का फुल नाम क्या है? ये सब क्या इतना ही नाम का है कि इन
लंबा नाम है, क्या यही नाम का कि और इन लोग का कुछ नाम है, क्या ये बड़ा शब्द से छोटा बना हुआ है, ये जानेंगे। मतलब इन लोग का फुल नाम अगर होता है तो क्या होता है, चलिए ये जानेंगे। बाबू फुल नाम होता है साइन थीटा का, बाबू पूरा नाम एस आई एन ई साइन होता है, कोस थीटा का पूरा नाम बाबू कोसाइन होता है, टेन थीटा का पूरा नाम बाबू टेंजेंट होता है, कोट थीटा का पूरा नाम बाबू कोट टेंजेंट होता है, सेक थीटा का पूरा नाम बाबू सेकेंट होता है, कोसेक थीटा का पूरा नाम बाबू कोसेक थीटा का पूरा नाम बाबू कोस सेकेंट होता है। आपसे पूछा जाएगा कि साइन का पूरा नाम क्या है या साइन कहां से आया है, को उसका क्या पूरा नाम है, आप बोलिएगा साइन एस आई एन ई। कोस थीटा का पूरा नाम क्या है, कोसाइन सी ओ एस आई एन ई। टेन थीटा का पूरा नाम क्या है, टेंजेंट टी ए एन जी ई एन टी। कोट थीटा का पूरा नाम क्या होता है बाबू, कोट टेंजेंट सी ओ टी ए एन जी ई एन टी। सेक थीटा का पूरा नाम क्या होता है बाबू, सेकेंड एस ई सी ए एन टी। और कोसेक थीटा का पूरा नाम क्या होता है बाबू, कोसेकेंड सी ओ एस ई सी ए एन टी। बाबू सबका पूरा नाम याद रखना है, जब आप हायर क्लास में पढ़ोगे, हायर क्लास में पढ़ोगे तो आपको साइन थीटा का मान ना दे करके साइन बोलेगा, प्रश्न में आपको साइन बोल दिया जाएगा, तब आप सोचोगे ये क्या होता है। अब जब बाद में पता चलेगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा। बाबू कौन कौन परीक्षा में टेन थीटा नाम बोल करके टेंजेंट बोल देता है बाबू, तो टेंजेंट का मतलब आप क्या समझोगे, टेन थीटा। इसलिए सबका पूरा नाम आपको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कौन परीक्षा में कौन नाम लिख दे कोई इसका गारंटी नहीं बाबू। आप पढ़ के जाओगे कोट थीटा का मान, कोट थीटा का प्रश्न, आपको वही प्रश्न में कोट थीटा की जगह पर क्या लिख दिया बाबू, कोट टेंजेंट। तो आपको याद रखना पड़ेगा बाबू कि कोट थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कोट टेंजेंट। और कोट टेंजेंट अगर लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या होता है बाबू, कोट थीटा। और जो कोट थीटा का नियम पढ़े, नियम जो आपको सिखाया गया वही नियम लगाइएगा कहा, कोट टेंजेंट में, और आसानी से उस प्रश्न को क्या कर लीजिए हल कर लीजिए। तो ये छह त्रिकोणमिति का पूरा नाम हुआ, ये पूरा नाम आपको याद रखना है, कहीं भी जरूरत पड़ सकता है, हम आपको पूछेंगे भी टेस्ट देंगे उस समय पूछेंगे टेंजेंट का पूरा नाम क्या होता है, चार ऑप्शन दिया रहेगा, सेक थीटा का पूरा नाम क्या होता है, चार ऑप्शन दिया रहेगा, इसलिए आपको ये पूरा नाम भी क्या कर लेना है बोलो, याद कर लेना। चलिए अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं बाबू, चलो ये साइन थीटा त्रिकोणमिति है, ये क्या है त्रिकोणमिति है, छह को हम लोग अभी सीखे कि त्रिकोणमिति कितना होता है, छह होता है, उसमें से साइन थीटा भी होता है बाबू। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, थीटा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू, थीटा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, थीटा। अब और कुछ जानते हैं बाबू, साइन थीटा इसको थीटा पढ़ते हैं, ये थीटा क्या कहलाता है बाबू, एंगल, एंगल मतलब बाबू कोण, एंगल मतलब बाबू कोण। और कोण हमेशा किस रूप में रहेगा बाबू, डिग्री में, हमेशा किस रूप में रहेगा बाबू, डिग्री में। मतलब कोई त्रिकोणमिति के साथ, त्रिकोणमिति के साथ जो थीटा जिसको लोग बोलते हैं, नहीं भी पढ़ रहे थे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा पढ़ रहे थे,
कि त्रिकोण में तीन क्षेत्र आता होता है उसमें से पड़े साइन थीटा, तो इसको हम लोग थीटा पढ़ते वक्त। अब ये थीटा क्या कहलाता है, वो एंगल, एंगल मतलब बताओ कोण, और कोण हमेशा किस रूप में लिखाएगा बाबू, डिग्री में। किस रूप में लिखाएगा बाबू, डिग्री में। उदाहरण बाबू, डिग्री का उदाहरण बाबू 10 डिग्री। ये डिग्री का सिंबल है, डिग्री का चिन्ह है, इससे पता चलता है कि ये 10 डिग्री लिखा हुआ है, और 10 डिग्री हमेशा किस क्या कहलाएगा बाबू, कोण। और यही कोण कहाँ बैठेगा बाबू, थीटा के जगह पर। मतलब कोई भी त्रिकोण मिति रहता ना बाबू, तो उसके साथ जो थीटा देख रहे हो ना आप लोग, उस थीटा को हम लोग एंगल बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण। और इसके जगह पर हमेशा क्या बैठाते हैं, कोण। और कोण हमेशा किस रूप में लिखा रहना चाहिए बाबू, डिग्री में। डिग्री में कैसे बाबू, उदाहरण 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सबका सब किसका उदाहरण बाबू, कोण का। और जब भी हम लोग त्रिकोणमिति में थीटा के जगह पर बैठाएंगे तो कोण बैठाएंगे, और कोण के जगह पर हम लोग इस तरह लिख के बैठाएंगे। ये कोण का उदाहरण हुआ, कोण को हमेशा डिग्री में लिखा जाता है, और इस डिग्री का उदाहरण आपके यहाँ है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। यानी अगर आपको साइन थीटा को थीटा के जगह पर कुछ कोण लिख करके अगर किसी को बताना है तो आप लिखिएगा 10 डिग्री, ऐसे 30 डिग्री, ऐसे 60 डिग्री, ये क्या कहलाता है बाबू, कोण। ये क्या कहलाता है बाबू, कोण। ये सब का सब क्या कहलाता है बाबू, कोण। ये सब का सब क्या कहलाता है बाबू, कोण। तो यही बता रहे कि कोई भी त्रिकोणमिति अगर रहता ना तो साथ में जो थीटा रहता ना थीटा, उसके जगह पर हमेशा क्या बैठाना बाबू, कोण। और कोण हमेशा किस रूप में लिखा जाता है बाबू, डिग्री में। इसका उदाहरण आपको बताएं, इसी तरह आपको थीटा के जगह पर बैठा देना है कोई भी त्रिकोणमिति में, तब जाकर के वो सही उदाहरण होगा किसका, त्रिकोणमिति का। जैसे आपको टेन थीटा में कुछ उदाहरण देना है तो थीटा के जगह पर बाबू, थीटा के जगह पर कोण बैठेगा, क्या बैठेगा बाबू, कोण। और कोण हमेशा किस रूप में लिखाता है बाबू, डिग्री में। मतलब जैसे उदाहरण 10 30 डिग्री, 10 मापो 60 डिग्री, 10 मापो 90 डिग्री, 10 मापो 120 डिग्री, ये सबका सब इसका उदाहरण है 10 थीटा का त्रिकोणमिति का। थीटा के जगह पर हमेशा क्या बैठाया जाता है बाबू, कोण। और कोण हमेशा क्या चीज में लिखना बाबू, डिग्री में। कोई भी त्रिकोणमिति ले लो बाबू, कोई भी त्रिकोणमिति आप ले लीजिए, जैसे आपको मन कर रहा कोस थीटा लिखना, लिखिए थीटा के जगह पर आपको बता दिए हमेशा क्या बैठाना बाबू, कोण बैठाना, हमेशा क्या बैठाना बाबू, कोण। और ये कोण हमेशा किस रूप में रहेगा बाबू, डिग्री में। अगर आपको इसका उदाहरण देना है बाबू, कोस 10 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री, और कुछ लिखिए बाबू, कोस 120 डिग्री, कोस 150 डिग्री, कोस आपका 90 डिग्री, और बहुत कुछ उदाहरण हो सकता है बाबू। बस हमको ये सिखाना था आप लोग को कि कोई भी त्रिकोणमिति में जो हम लोग थीटा बोलते हैं ना बाबू, थीटा जिसको बोल रहे हैं ना, वो कोण होता है, और कोण के जगह पर हमेशा हम लोग डिग्री में लिखेंगे, जिसका उदाहरण ये है बाबू। अगर कोई चाह रहा है, बच्चा सोच रहा है सर कोण का बताइए, तो कोण थीटा भी, थीटा जहाँ पर कोण बैठेगा उसका उदाहरण हो जाएगा कोस 10 डिग्री, कोस 20 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 50 डिग्री, कोस 100 डिग्री, कोस 200 डिग्री, कोस 500 डिग्री। कोई सोच रहा है सर सेक का भी, सेक 10 डिग्री, सेक 20 डिग्री, सेक 50 डिग्री, सेक 90 डिग्री, कोसेक का, कोसेक का भी सेम उदाहरण, कोसेक 10 डिग्री, कोसेक 50 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री। तो ये है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 6 तरह का होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोण थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा,
अब हम लोग ये भी जानिए कि जो हम लोग बार बार जिसको थीटा पढ़ते हैं वो कोण होता है, और कोण को हमेशा किस रूप में लिखेंगे, डिग्री में। उदाहरण आपको दिया गया, अब कोई भी त्रिकोणमिति का आप उदाहरण दे सकते। यहां तक आप लोग समझ लें, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे पढ़ते हैं हम लोग। कोस के साथ गुना रहता है, टेन का कोण क्या टेन के साथ गुना रहता है,